नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकते हैं और हमने क्या डिस्कशन किया था। मैंने आपको क्लियर कट ये लेवल दिया हुआ था कि ऊपर की ओर 41,333 को ऊपर की ओर अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो हम कॉल के लिए जा सकते हैं। अगर नीचे की ओर 40,897 को ब्रेक करता है तो हमें 40,600 तक जा सकते हैं। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, पहले थोड़ा सा फ्लैट ओपन होके थोड़ा सा गैप अप फ्लैट ओपन होके यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ने नीचे आया और बाद में ये ब्रेक करके हमारा टारगेट भी हिट हुआ। लेकिन क्या होता है, कई बार मैंने पर्सनली एंट्री यहाँ पर ली थी क्योंकि यहाँ पे मैं जब भी बाहर था मैं ले नहीं सकता था एंट्री, यहाँ पर मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी। मैंने ग्रुप में भी, मैं जब पूरी तरह से मेरे पास लैपटॉप है सब कुछ, मैं ठीक ठाक से बैठा हूँ तभी मैं एंट्री देता हूँ। क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि आप मोबाइल में देख रहे हो और आपको अच्छा खासा चार्ट नहीं दिखता, बाहर शोर हो रहा है, वो मैं नहीं देता चार्ट। क्योंकि मार्केट में एक बात समझता हूँ कि मार्केट आज एक दिन के लिए ही नहीं है और एक दिन के भी मुंह नहीं आने वाली है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम जब मार्केट में नहीं थे पहले, जब हम मार्केट नहीं कर रहे थे तभी मार्केट चल रही थी और तभी भी मुंह आ रही थी। इसलिए यह समझना बंद करो कि आज मुंह चली गई तो हमें फिर कभी मिलेगी नहीं, ठीक है। मूवमेंट आती जाती रहती है, ठीक है, हमें उसके कैप्चर करने का भी टाइम मिलेगा, धीरे धीरे हम कैप्चर भी करेंगे, ठीक है। आज अच्छी खासी हमने मूवमेंट कैप्चर की। कई लोग कह रहे होंगे कि यार ये मूव निकल गई, भले निकल गई लेकिन इतना प्रॉफिट तो हुआ ना हमको, क्लियर कट ये दो मैंने पुट यहाँ पे लिया था, हमें 2x यहाँ पे प्रॉफिट किया, ठीक है। और अगर ऐसा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमें ले लेना चाहिए तो आप नहीं, यहाँ पे कई ट्रेडरों ने एंट्री ली थी, यहाँ पे आप 3 बार दोजी जैसी बनी ये रेड कैंडल, यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ तो कई लोगों ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ली हुई थी, शायद 5 मिनट में भी कुछ होगा। क्योंकि मैं ज़्यादातर 15 मिनट देख 5 मिनट ही भी देखता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर 15 मिनट को भी फॉलो करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, 3 बार थी और यहाँ से थोड़ी दूर से रिजेक्शन था, ठीक है, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। और मैंने एक बात आज नोटिस की है मार्केट में कि आज मैंने जो यहाँ पे पुट लिया था वो अगर बैंक निफ्टी लो भी ब्रेक करा था तो इतनी ज़्यादा से उसका जो गेन हमें मिलना चाहिए, जो पुट का प्रीमियम जो गेन होना चाहिए वो हो नहीं रहा था, ठीक है। उसके हिसाब से भी ये शायद यहाँ पे किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। मैंने पर्सनली मैंने ट्रेल कर दिया था वरना हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। आप मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी में चेक कर सकते हैं, मैंने पहला जो स्क्रीनशॉट डाला हुआ है उसमें 20 रुपये का SL हिट हुआ है। वो क्या था, मैंने 240 पे 340 पे बाय किया था, मेरा 40 रुपये का स्टॉप लॉस था। तो 300 का जो स्टॉप लॉस था वो मैं थोड़ी सी मंगवाई तो मैंने ट्रेल कर दिया 20 रुपये का, ठीक है। वो मेरी एक गलती हो गई थी क्योंकि अगर मैंने ट्रेल नहीं किया होता तो हमें एक ट्रेड में मूव मिल जाती और हमारा जो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता, इसलिए हमें एक ट्रेड में मूव मिल जाती थी। कोई बात नहीं, फिर भी हमने 20 रुपये का लॉस किया और 2x हमने प्रॉफिट किया, रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छे से मैनेज किया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल की, कल मार्केट कहाँ पर कामकाज कर सकती है, ठीक है। हम जस्ट सेकंड में पहले ये लेवल हटा देता हूँ, नीचे के लेवल हम रखेंगे क्योंकि जो नीचे के ये जो लेवल्स है वो मैं काम में आ सकते हैं। देखिए अभी आपके पास नीचे में जो रिस्की ट्रेडर है और सॉफ्ट सेफ ट्रेडर है उसके लिए 2 चांसेस है। कैसे, मैं दिखा देता हूँ आपको। जो रिस्की ट्रेडर है वो 40,600 को ब्रेक होने के बाद, यानी लो ब्रेक होने के बाद ही एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट 40,500 और दूसरा 40,296 का रहेगा। हमने ये कल टारगेट निकाले थे, ठीक है। लेकिन अगर जो सेफ प्लेयर है वो 40,500 को अगर ब्रेक करता है तो ही हम एंट्री लेंगे, यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, ये 100 पॉइंट में हमें इतना कुछ प्रीमियम मिलेगा नहीं, ठीक है। मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ 100 पॉइंट की रेंज में। अगर ऊपर की ओर बात करें, ऊपर की ओर में कन्फर्मली जस्ट अ सेकंड, ऊपर की ओर अगर ये लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल को बगैर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो हमें यहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये जो हाई है 40,100 का,
जस्ट अ सेकेंड, 20 तारीख, नहीं माफ़ कीजिएगा, हाई नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया हुआ है, अब देख सकते हैं यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बार मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये एज अ रजिस्टेंस अभी ये वर्क करेगा और हमें अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे आप 41,000 पे भी ट्रेल कर सकते हैं क्योंकि ये एक राउंड लेवल है, तो आप यहाँ भी एक अपना ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें 200 पॉइंट का यहाँ तक का टारगेट भी मिल सकता है। ठीक है, मैंने ये प्राइजेक्शन के हिसाब से ये लेवल आपको दिया है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे भी कैंडल ने कई बार रिजेक्शन खाया है, ये आप ऐसे मान सकते हैं, ये 100 पॉइंट की पूरी रेंज है। मैंने रेंज का लास्ट वाला हिस्सा आपको लेवल में दिया है। नीचे की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, सेफ प्लेयर के लिए अलग है और रिस्की जो लोग है वो वहाँ यहाँ पर लो ब्रेक होने के बाद एंट्री ले सकते हैं। निफ्टी के बारे में बात करें, जस्ट अ सेकंड गाइस, और हाँ मैं शायद कल या परसों 2 दिन के लिए शायद थोड़ा फंक्शन में हूँ, तो मैं पर्सनली मेरे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेरी फिर टेलीग्राम की चैनल की लिंक ऑलवेज मैं हर वीडियो में डाल ही देता हूँ, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं शायद वीडियो नहीं डाल पाया तो मैं वहाँ पे चार्ट डाल दूंगा, और मैं शायद या रील्स बना के छोटा सा अब लेवल दे दूंगा एक, या इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, निफ्टी ने भी आज हमें अच्छी खासी मूवमेंट दी, लेकिन हमारा टारगेट ही नहीं हुआ, क्योंकि आज निफ्टी ने क्या किया कि फ्लैट फ्लैट ओपन होके ऊपर से गई और बाद में नीचे आई, तो जो हमारा टारगेट था वो छोटा सा रह गया, छोटा ही टारगेट था रह गया है, क्योंकि इतनी अच्छी खासी मोमेंटम थी। अगर आपने यहाँ पे बाई कर लिया होता निफ्टी को, या अगर आप माने तो यहाँ पे बाई कर लिया होता ये लेवल ब्रेक, तो हमें मिल सकती थी, लेकिन इतनी अच्छी खासी मोमेंटम हमें निफ्टी में नहीं देखने को मिली। कोई बात नहीं, लेकिन हमें बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। अगर निफ्टी में ये पहले लेवल हटा देते हैं, निफ्टी में अभी आप देख सकते हो जो नीचे के लेवल है वो यहाँ पे भी सेम रहेगा, क्योंकि अगर ये अभी लोगों ने अभी 70,800 को ब्रेक करता है, तो मैं ये जो सपोर्ट है 70,790 का, वो हमें निफ्टी में नीचे की ओर टारगेट मिल सकता है। अगर ऊपर की ओर बात करें तो मैं ऊपर की ओर अगर ये 70,900 या 9-10 को मैं रख लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड, अगर इसको ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो हमें 80,000 तक के भी टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाद में आप आगे पिवट पॉइंट के हिसाब से आप अपना टारगेट निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।